रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आपकी ढेरों ख्वाहिशात पूरी करे। आमीन। आज मैं आपको आलूओं की एक और नई रेसिपी आपको बना के दिखा रही हूँ। ये मैंने आलूओं को बारीक काट लिया है और पानी में नमक डाल के भिगो दिया था। अब बाहर निकाल के अच्छी तरह खुश कर लिया है। ये देखिए, आज आप कह रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े पीस किए हैं, ये इसलिए हैं कि आज हम आपको ये डबल आलूओं को जोड़कर आपको स्नैक बना के दिखा रहे हैं। एक साइड पे हम घी लगाएंगे और एक साइड पे मैदा लगाएंगे। अब हम शुरू करते हैं। मैदा साथ रखा हुआ है, घी पास पड़ा हुआ है। सबसे पहले घी लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या आपके पास अगर ब्रश हो तो ब्रश के साथ भी आप लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। इस तरह लगा लेना है और एक साइड पे आपने मैदा लगा लेना है। इस तरह पकड़ के इस तरह से ये बड़े ही मज़े के तैयार होंगे और आपको बहुत ही पसंद आएंगे और बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। अब हम इन दोनों हिस्सों को आपस में इस तरह जोड़ देंगे। इस तरह करके हम सारे इसे तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, माशाल्लाह से हमने सारे पीस तैयार कर लिए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जिस तरह का इसकी शेप बनानी है, आप उस तरह का इसकी कटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं सीधी सीधी कटिंग करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी छुरी से सही कटिंग नहीं हुई थी, इसलिए हमने छोड़ दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी गर्म हो रहा है, अब हम आपको दिखाते हैं घी में डाल के। ये आलू के ना दिखा तो ऊपर से साइड से हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, घी गर्म हो गया। ये डबल आलू की स्नैक है, बहुत ही मज़ेदार होंगे। आप लोग ट्राई करना और बच्चे बड़े शौक से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम दूसरी शेप के बना रहे हैं। मैंने कहा मुख्तलिफ शेप कर देते हैं थोड़ी सी। ये समोसा टाइप भी होगी, दूसरी भी होगी, जिस तरह का आप दिल चाहे। बच्चे मुख्तलिफ शेप के बड़े शौक से खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये दूसरे डाल रहे हैं, उनको तकरीबन आधा मिनट हो गया है। उनको डाल के उसकी साइज चेंज कर देंगे तकरीबन दो मिनट के बाद। ये देखिए, हम साइड चेंज करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कितना प्यारा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, हम निकाल रहे हैं इस तरह से। आपने अगर कढ़ाई में बनानी है तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन ये फ्राई पैन में इस तरह ज़्यादा बेहतर बनती है। ये बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। अब आप इसके ऊपर चाट मसाला और हल्का सा नमक डाल के इस्तेमाल करें जैसे आपका दिल चाहे। ये बहुत ही मज़ेदार है। अब हम आपको दूसरे मसाले आपको डाल के दिखाते हैं। हल्का सा हम ऊपर चाट मसाला डाल रहे हैं, हल्का सा, बिल्कुल जितना आपको पसंद है, क्योंकि हम उतना डाल रहे हैं जितना हमको पसंद है। आप उतना डालेंगे जितना आपको पसंद होगा। ये हल्का सा हमने नमक भी डाल दिया है। यहाँ थोड़ी सी जगह बना के कैचअप भी हम साथ ही डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी तमाम वीडियो आप तक पहुँचे।